कैडबरी की सबसे एक्सपेंसिव चॉकलेट शॉप है। ये पूरी दुनिया का थीम पार्क है। ब्रो मैंने ढूंढ लिया, देखो मुझे पता कहाँ पे बंदे खड़े हैं। लेकिन गलत जगह थी वो, ऊपर आना था हमें। अब ऊपर आ तो गए लेकिन ड्राइवर ने पिक्चर भेजी अपनी गाड़ी की और गाड़ी हमें नजर आ नहीं रही है। वॉक्सवैगन पसात है कोई, चलो फाइनली ऊबर तो मिली, अब होटल जा रहे हैं। बैग चेक ड्रॉप करेंगे, चेकिंग करेंगे, उसके बाद समझेंगे आज का दिन। नहीं बैग होटल में ड्रॉप कर सकते हैं, होटल ही बंद है। होटल कैसे बंद है? होटल खुला है। नहीं चेक इन जो है वो बंद है। कोई कैन सॉग नॉलेज को ये स्क्रीक महीन हो रहा है, ये की मशो। हां बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है ना? हम लोग प्रेफर करते हैं जर्मन बोलना रादर देन इंग्लिश, तो ऐसा है। और अभी जो ज्यूरिख का व्यू लग रहा है ना, उससे आइडिया हो रहा है कि यार ऑटम वाले वो जो ऑरेंज और इन मोहब्बतों वाले पत्ते हैं ना, वो शुरू हो चुके हैं भाई। यहाँ से जर्मनी नहीं लग रहा, सेम एयरपोर्ट से गए थे वापस। एग्जैक्टली यार कितनी ज़्यादा रिजेम्बलेंस है यार, डसलडॉर्फ के एयरपोर्ट से जो हम गए थे घर, सेम रोड वैसी लग रही है और साथ में सेम उसी तरह की बिल्डिंग है। साथ ही पहला फैक्ट जो पता चला है वो ये है कि स्विट्जरलैंड अपने टनल की वजह से मशहूर है। पहाड़ियाँ वाड़ियाँ काट के यहाँ पे टनल्स बनाई हैं जगह जगह पे। तो ऐसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी क्योंकि अदील हमारे साथ, तो फिर मज़ा आने वाला है। फैक्ट नंबर टू, यहाँ पे जो छोटे छोटे रिवर आते हैं उनको पख बोलते हैं। पख बोलते हैं, अभी अदील ने बोला पख बहुत है यहाँ पे। मैंने कहा पख क्या मतलब? मतलब पख मतलब रिवर, पख मतलब कनाल, जो नहर। सही है यार, नहर पर तो वैसी बड़ी पख होती है। पर चार जुबानें लिखी होती हैं, एक फ्रेंच हो गई, ये यहाँ पे ब्यूरोक्रेट जुबान है। इधर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं स्विस के, वो फ्रेंच बोलना बहुत पसंद करते हैं और वो फ्रेंच उससे कलोनी से ताल्लुक रखते हैं, जिनेवा से, बैन से। फिर ये जो स्विस पार्ट है, ये इनका जो है नेशनल हब है, ज्यूरिख जो है इनका नेशनल हब है। यहाँ पे सिर्फ श्वाइजरडिच बोली जाती है, स्विस जर्मन। फिर उसके बाद इनका पार्ट है इटालियन पार्ट, लुगानो, तहसीन जो है वो उसकी कंटोन है, वो सारा जो है लुकार्नो, वहाँ इटालियन बोली जाती है। फिर एक इनका बर्ग लगता है वहाँ पे ग्राउ बूंदर वाली साइड पे, वो वहाँ पे रोमांच, रेत्रो रोमांच बोली जाती है, थोड़ा सा लेफ्ट राइट। चार जुबान इनकी ऑफिशियल है, ऑफिशियल जो इनके बैंक नोट पे लिखी जाती हैं, जो सबको बोलनी यहाँ पे जरूरी है। अच्छा बिल्कुल, और कंपल्सरी नहीं है, बोलनी जरूरी है कि आप उससे जो है सर्वाइव कर सकते हो, वो चारों में से कोई आती है। और इंग्लिश जो है वो मेट्रोपॉलिटन, जो अपना वो मेट्रोपॉलिटन लैंग्वेज है, यानी वो आप यहाँ पे हर बंदे से बोल सकते हो। यार तो अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा कि यार ये जो व्लॉग की सीरीज होने वाली है फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाली है, और आपको घर बैठे स्विट्जरलैंड के मज़े और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाने वाली है। तो बस इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनके भी नॉलेज में इजाफा हो, और ऑब्वियसली चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका वेट करो, ये बटन दबाओ, रेड वाला वाइट हो जाएगा। जर्मनी जर्मनी की फीलिंग आ रही है मुझे। दादा लर्फ विद द होंडा टूजिक फ्रॉम कनूर एंड शाइज ओवर गया। वजन आपको इसके बाद जो है ना विजिट करवाते हैं वन ऑफ स्ट्रासे, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, जहाँ टीना टर्नर, टॉम हैंक्स, उसके बाद जो है आपका बेस्ट एक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड लियोनार्डो डी कैप्रियो, जब जहाँ से सब शॉप करते हैं वहाँ चलते हैं। और वहाँ जाकर ना आपको बेहतरीन जगह से छोटा सा स्नैक और साथ उसके कॉफी। भाई ये जो है आपके पीछे जो आ गया ना लिमिट प्लाजा, ये भाई इधर ये है सारा प्रोस्टिट्यूट्स का एरिया। यस प्रोस्टिट्यूट हाल, ये इधर सब प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं इस सारे एरिया में। ये रात को जंक्शन बना होता है यहाँ पे, ये 24 आवर चलता है, नेवर स्लीप्स, इट इज एक्टिव फॉर एवर। यानी कि ये जो स्ट्रीट है, ये जो लिमिट प्लाजा है, ये सारा जो है ये एंड तक जो है सारा श्वाइनर आएगा यहाँ पे। ये लीगल है, इलीगल है, दिस इज नॉट लीगल इन द स्वीस। ये इसको कहते हैं लांगस्ट्रासे, ये लॉन्ग स्ट्रीट, लांगस्ट्रासे इस गनशनाख्त एक्टिव 24 आवर्स एक्टिव रहता है। और ये प्रोस्टिट्यूट्स एरिया है इधर, मगर्स, हर चीज आपको, क्रिमिनल्स बहुत नजर आएंगे, ड्रग डीलर्स,
ये जो एरिया है अभी तो काइंड ऑफ स्लो, इन द नाइट इज वेरी फास्ट। फुट को फुस बोलते हैं, तो पीछे स्टेडियम था, मैंने पूछा किस चीज़ का, ऑब्वियसली वो फिर फुटबॉल का स्टेडियम है। लेट्स सी पार्क का फुस पार्क। तो ये है फुटबॉल स्टेडियम ज्यूरिख का, फुटबॉल फुटबॉल नहीं। आ जब बोलते हैं ना आ, उस पर कोई डॉट्स नहीं होते, जब हम ए बोलते हैं उस पर दो डॉट्स होते हैं, तो वो फिर ए आप उसको प्रोनाउंस करते हो। यार हम रेलवे ट्रैक के ऊपर चढ़ के, ये यहाँ पे बहुत नाइस लोग हैं। अच्छा, ये रास्ते में देखा मैं उसको, मैंने हाथ मारा उसके, कहा वो गाड़ी रोक के। ठीक है, यार किसी का कमेंट आया था कि रेन कोट लेके जाना, और यहाँ पे तो कमाल मौसम है, ठंड भी है धूप भी है, मज़ेदार सीन है। और हम आ चुके हैं अपने होटल में, अब अर्ली चेक इन हो जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। मुश्किल ही है, यार डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन तो सुना था, पर डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्विस स्पीकिंग मैन, अदील का डायलॉग है क्या। तो हमारा चेक इन था 1 बजे, और कुछ जुगाड़ शुगाड़ लगा कि उसने हमें 9 बजे चेक इन करने को दे दिया। यू आर फ्रॉम इंडिया टू इंडिया? व्हिच पार्ट? नो इंडिया सर। देन पाकिस्तान? आई एम फ्रॉम हियर, दे आर फ्रॉम यूके, बट ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान। फ्रॉम पाकिस्तान? ओके, या वेरी गुड। आई एम फ्रॉम मुंबई। मुंबई? या ऑलराइट, ओके, नाइस। चलिए मुझे दे दे, सीन भी तो लेना जरूरी है ना, सारों को अपडेट रखना जरूरी है यार, मतलब सबको साथ लेके आए हम लोग ट्रिप पे। आप लोगों को ऐसा ही फील होना चाहिए कि यार आप लोग साथ हो हमारे, क्योंकि हमें तो ऐसे ही फील हो रहा है यार। आप लोग सब जितने भी हो, एक एक सब्सक्राइबर जो जो देख रहा है ये वीडियो, उसके लिए ये सारा ट्रिप हमारी तरफ से। नीचे के हम नॉर्मली पर डे 100 स्नैक लेते हैं, ये कानून है यहाँ पे स्विस में कि आपने जितनी नाइट स्टे करना है उस हिसाब से आपका डिपॉजिट होता है। मलेशिया में जब हम गए थे वहाँ भी डिपॉजिट लिया था, दुबई में डिपॉजिट नहीं लिया था, यूके में भी डिपॉजिट नहीं लेते, तो ऐसा सीन है। नंबर भी शैतान वाला, 17-23-17। अच्छा यार, छोटा सा रूम है ना, छोटा है। यहाँ से व्यू जो है वो कुछ ज़्यादा खास है तो नहीं, यहाँ पे देखते हैं। यार वो वाला रूम इतना कोई डिप्रेसिंग था कि मतलब 1 मिनट से ज़्यादा वहाँ पे रुका नहीं गया। अब हमारा ये वाला रूम है, अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। यार एक बेटर नहीं है उससे? हाँ वो इस साइड पे था ना वो? नहीं यार, लुक एट व्यू, थोड़ा बहुत कुछ बेहतर है। बेहतर है ना? मतलब जो क्राउन प्लाजा से एक्सपेक्ट किया था वैसा वाला सीन नहीं है, लेकिन ठीक है, चलेगा, गुजारा। अभी फिलहाल एक छोटे से टूर के लिए बाहर जा रहे हैं। कार्ड लिया किसी ने? यार रूम तो कोई खास पसंद आया नहीं है, तो बस बाहर वॉक करने निकले हैं थोड़ी सी, यहाँ पे देखते हैं कि यार इर्द गिर्द क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, फिर वापस आके थोड़ा सा रूम में रेस्ट करेंगे, एंड देन फिर फर्दर प्लान बनाएंगे। तो अभी ट्रेन का पास लेने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, वैसे अदील ने बोला कि ऐसे ही चढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मज़े का फैक्ट नंबर 4 पता चला, जिसमें ये होता है कि जैसे लंदन में तो चेक करने आते हैं टिकट चेक कर यूनिफॉर्म पहन के प्रॉपर, यहाँ पे ऐसी मतलब बगैर वर्दी के अंडर कवर आ जाते हैं, कोई भी खड़ा हो जाता है और टिकट चेक करने के लिए। तो इसलिए जब यहाँ पे आओ तो पंगे नहीं करने, पाकिस्तानी वाली हरकत नहीं करनी है, बस टिकट लेके चलना है। तो बस वो हम 26 फ्रैंक्स का है 1 डे का। अच्छा ये अभी हम लोग पहली बार यहाँ पे ट्रैम में बैठे और बस साथ ही साथ ही इसका एक्सपीरियंस ले रहे हैं, कुछ आगे जाना है सेंटर में, वहाँ से फिर आगे पता चलेगा आगे क्या सीन है। फिर की सबसे एक्सपेंसिव चॉकलेट शॉप है, स्विस चॉकलेट जो मशहूर है, एमी नहीं मशहूर है यार, यहाँ पे चॉकलेट को प्रॉपरली सेलिब्रेट किया जाता है। लुक एट द वैरायटी। और जाहिर बात है ये शॉप जो है फिर उसी लिहाज से एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि यहाँ की चॉकलेट लिटरली, अगर ये वाला बॉक्स देखो इसमें 84 पीसेज हैं एंड इट्स 210 फ्रैंक्स। वाओ, इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव स्ट्रीट इन होल स्विट्जरलैंड, बानोस्ट्रासे। अच्छा
You got here Omega, Rolex, Big Bang, what you say, Hublot. Achha. Everything you got here. Bali, Tommy Hilfiger, ye jo jitne bhi hai to phara ke Tommy Hilfiger, lekin you see on the way. Achha. ड्रिंक के लिए हमने यहाँ पे स्टॉप किया और यहाँ पे स्विस मेड कोक जो है वो ट्राई करने लगे हैं। शेख ने ट्राई किया है, ट्राई कैसी लगी तुझे? अभी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। There's even written here, Swiss made. That's the best thing about this, you know? चलो, और वो क्या है? ये क्या है डागी? क्या? यार ये इनकी कोई यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रिंक है। ये हमारी नेशनल ड्रिंक है, Revilla Red, ओरिजिनल। अच्छा, चलो दोनों ट्राई करते हैं यार। ये कहीं भी नहीं मिलती दुनिया में इसके अलावा, यहाँ इसके अलावा। तीसरी बार ये टेक ले रहा हूँ, इसी बहाने बहाने से कोक खत्म हो जाएगी। इसके कोक का टेस्ट डिफरेंट है यार। एक तो इसमें एस्पार्टेम नहीं है, दूसरा ये कि काफ़ी फ्रेश सी फीलिंग है, एक फ्रेशनेस है इसके अंदर। दुबई की भी अच्छी थी, पोलैंड की अच्छी है और स्विट्ज़रलैंड की अच्छी है। अभी उन सब में से पोलैंड और ये बेहतर है। और ये जो स्टेला नहीं Revilla ट्राई करते हैं यार। ये सादी है ना, वो इट्स एक्चुअली गुड यार। खट्टी है ना थोड़ी सी। ये बिग एप्पल और मिरिंडा का मिक्स है कुछ, है ना? अरे वहाँ से स्विट्जरलैंड की कोक ट्राई करने के बाद अब हम आए यहाँ पे इस यॉट पे। अब ये जो यॉट है ये हमें पूरा ज्यूरिख घुमाने वाली है। मतलब ये वाली यॉट पे, मतलब ये वाली शिप पे बैठ के हम लोग पूरा ज्यूरिख जगह जगह रुक के देख सकते हैं। मतलब बेस्ट वे है ज्यूरिख को एक्सप्लोर करने का। तो हमने क्या कि यार आज पहले दिन ही क्यों ना पूरा फ़ायदा उठा लिया जाए, जितना भी टाइम है उसका। तो बस फिर अभी चलते हैं इस वाली बोट पे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। यार से कहा, मुझे लगा कि यहाँ पे वो घंटियाँ ढूंढनी पड़ेंगी, पर यहाँ तो हर जगह बिक रही है यार वो घंटियाँ। क्या हिस्ट्री क्या है, हम हिस्ट्री क्या है इस घंटी की? ब्रो ये जो है ना सोशल काउज हैं, ये जो सोशल काउज हैं यहाँ की, सोशल काउज बड़े फेसबुक पे दिल से दूध देती हैं। वो देखो डेढ़ बजने वाला है और यार दिल से दूध देती शिप में चलते हैं। हम इस क्रूज़ पे बैठ चुके हैं, अब हम ज्यूरिख के इर्द गिर्द चक्कर लगाएंगे और जहाँ जहाँ ये शिप रुकेगी वहाँ वहाँ पे हम लोग देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और लास्ट टाइम जो क्रूज़ पे बैठे थे तब हम दुबई में थे, और किसको पता था कि यार 2 मंथ फॉरवर्ड हम लोग स्विट्ज़रलैंड में क्रूज़ पे बैठे होंगे। और यहाँ पे भी डिनर शिनर का कोई सीन है, कोई अच्छा है यहाँ पे डिनर? क्या सीन है यार यहाँ पे? लेट्स सी द मेन्यू ब्रो, हियर यू गो। यहाँ पे है क्या समझ आएगी इसमें? ठीक है, सही है, मज़ा आने वाला है। अच्छा, जहाँ जहाँ पे जाते हैं वहाँ साथ साथ ये अनाउंस करते रहते हैं कि यार कौन सी जगह आ गई और ये कौन सी जगह आ गई है। तो अभी अनाउंस हुआ है कि ये चॉकलेट फैक्ट्री आई है, लिंट चॉकलेट फैक्ट्री है। यहाँ पे बकायदा फैक्ट्री है लिंट की, जहाँ पे वो चॉकलेट मैन्युफैक्चर होती है और वो सारा टेस्ट भी करवाते हैं और वो सारा सीन होता है। अभी यहाँ पर हम डॉक कर रहे हैं शिप को, अब पता नहीं यहाँ पर सीन क्या है। तो वो जो सामने नजर आ रही है वो है गोल्ड, जो ऊपर लिखा हुआ गोल्ड चॉकलेट फैक्ट्री, वो चॉकलेट फैक्ट्री है, लिंट चॉकलेट फैक्ट्री। या एवरीथिंग यू गॉट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, एक्चुअली प्रोडक्शन एवरीथिंग। अच्छा, तो वहां पे एंड पे आप टेस्ट भी कर सकते हो।
जो पहाड़ी नज़र आ रही है ना वो है ऑस्ट्रिया, यहाँ से जस्ट 200 किलोमीटर दूर। और इस साइड पे जो व्यू है क्या जबरदस्त है यार, वैसा व्यू हो साथ में ऐसा खाना हो, क्या चाहिए बंदे को, मतलब क्या चाहिए। तो पास ख़त्म हो गए यार मेरे तो, मतलब बस हो गई अभी से। और जस्ट इमेजिन अभी कुछ घंटे हुए हैं हमें यहाँ पे स्विट्जरलैंड आए हुए, आगे पता नहीं क्या क्या होने वाला है यार। भाई ज़बरदस्त यार, कैसे यार ये तो बहुत मज़े का है। और ये जो पालक है ना इनकी वो खास किस्म की ये ले, पालक ये ले। और ये यहाँ की फिश और ये काला बर्गर और सब कुछ यार, सब कुछ यार मज़ेदार किस्म का है यार, मतलब सही वाइब आ रही है यार। स्विट्जरलैंड की लेक पे हम लोग क्रूज करते हुए डिनर लंच जो भी कर रहे हैं, छोड़ दो यार छोड़ दो, बस लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, आप अपना काम करो, मैं आप लोगों के लिए आपका काम करता हूँ। देखो स्विट्जरलैंड मेरी नज़र से यार, सुना तो स्विट्जरलैंड महंगा है, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये सारा जो मील था इट्स अराउंड 130-135 फ्रैंक, और जो कि यहाँ के रहा से नॉर्मल है, अब उसको कन्वर्ट करोगे तो डर लगेगा और एकदम से झटका लगता है, पर यहाँ के लिहाज से नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो फिर सही है, आने दो जाने दो खाने दो यार। लेकिन एक बात है, यहाँ पे ना खाने में टेस्ट है, वाकई में टेस्ट है। जो यूके में ऐसे गोरो वाला खाना खाओ ना तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट या इंग्लिश लंच डिनर वगैरह जो करो वो फीका होता है, ऐसे ही बस दे देते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली टेस्ट है, मतलब लिटरली वो फील होता है कि यार आप कुछ खा रहे हो। अभी जाने अच्छा यार, स्विट्जरलैंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे उनकी आर्मी नहीं है, मतलब इस कंट्री में इनकी आर्मी है ही नहीं। कैन यू इमेजिन कि यार इतना पीसफुल और वो वाला सिस्टम है यहाँ पे कि सिर्फ पुलिस है उसी से काम चलाते हैं, आर्मी का यहाँ पे नामो निशान ही नहीं, आर्मी है ही नहीं, मतलब कितना फैसिनेटिंग सा सीन है यार, वाओ ऐसे होना चाहिए। यार कितनी कूल बाइक खड़ी है यार, कितनी जबरदस्त बाइक खड़ी है यार। यार अभी मैं यहाँ पे ज्यूरिख के जू में, क्योंकि यहाँ का जू सुना है काफ़ी ज़्यादा फेमस है और वो आम जू की तरह नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी और कुछ डिफरेंट सीन है यहाँ पे, तो अंदर जाके फाइंड आउट करते हैं कि सीन क्या है। लेकिन उससे पहले अगर यहाँ स्विट्जरलैंड में आए और मरूनी नहीं खाई तो फिर तो काम ख़राब है ना। तो मरूनी क्या होता है, मरूनी पाकिस्तानी में जो मकई मिलती है ना वो यहाँ की मरूनी होती है। यार मरूनी एक्सप्लेन करो, मरूनी क्या होता है। Schau heiß, gell? Ja, die sind gerade aus der Pfanne. Ja, ich kann mal kurz Hast du was irgendwo mal so mehr? Oh ja. Adil, Maroni, explain karo kya Maroni, es ist eine sehr, sehr Urdu. bekannt. Ye bada ek na special Ye jo wo iceberg mein nahi aaya, wo jo ice age mein, film ice age mein. Wo jiske piche wo pura gira deta hai, pahad gira deta hai. That's the best thing. Hazelnut. Hazelnut nahi hai ye. हेज़लनट नहीं वो छोटा होता है वो जो चॉकलेट में डालते हैं, दैट्स नॉट दैट वन, लेट बी बिट कोल्ड, वो आपने ट्राई करना है इसके बाद। अच्छा वो नाइस, ये टॉप प्रोडक्ट है, लुक लुक एट दिस, 200 ग्राम्स फॉर 8 फ्रैंक्स, 300 ग्राम, ये 200 ग्राम तो उसने फ्री दे दिया हमें। या तो ये है मरूनी और इसको गरम करके ये लोग सर्व करते हैं, पर इसको ठंडा करके खाते हैं अपेरेंटली, ट्राई करते हैं क्या सीन है। इसको हम कहते हैं कस्तानिया, वो देख कस्तानिया लिखा हुआ है उसके। यार इतना मज़े का मरूनी नट मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया था, मतलब जो मरूनी नट का टेस्ट था, मतलब पिस्ता काजू चने कुछ डिफरेंट सा मिक्स सा टेस्ट था यार, और वो गरम गरम हल्का सा खा के ना, मतलब मज़ेदार सीन आ रहा था। और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या, हम लिटरली ज़ू की दीवार के साथ बैठे हुए हैं और हल्की सी स्मेल भी नहीं है, मतलब ज़ू में आती है ना वो स्मेल जानवरों की और वो सब, ज़रा सी स्मेल नहीं है यार, मतलब कैन यू इमेजिन कैसे किया होगा इन्होंने, अंदर जाके पता चलेगा यार। लेकिन अंदर जाने से पहले यार ये क्या है, ओल्ड माल्टीन, ओवल माल्टीन, ओवल माल्टीन, तो अभी हम ओवल माल्टीन ट्राई करने लगे, काइंड ऑफ हॉट चॉकलेट पर अपनी हर्ब्स के साथ, ओवल माल्टीन ट्राई करते हैं, हॉट चॉकलेट प्लस डिफरेंट हर्ब्स, ये इनका अपना स्पेशल है, वो बूटी छुट्टी तो नहीं है इसके अंदर। नहीं ब्रो, थोड़ा हमारी वाला में लाया होता है। नहीं ब्रो पास वर्ल्ड में ढूंढेगा ना ये टेस्ट, और बर्फ पड़ी हो पहाड़ों में, बाकी दो दो कैमरे से हो चुप करके। ओए होए यार
भाई टेस्ट कर, बहुत मजे का यार। यार बड़ा रिच सा टेस्ट है इसका। नहीं यार बस बस पूरी दुनिया, पता नहीं कोई दुनिया ही हो रहा है यार, ये तो दुनिया ही हो रहा है। कैरेट केक का टेस्ट, मुझे कैरेट केक पसंद नहीं है, लेकिन कैरेट केक का टेस्ट इतना मजे का यार, कोई गाजर का हलवा केक सोफिस्टिकेटेडनेस और थोड़ा सा मैजिक, ये केक बन जाएगा। यार वैसे मैंने पर्सनली लाइफ में ना इतना अच्छा कैरेट केक नहीं खाया। अभी तो मैंने होटल लेके जाना तुझे, तूने जहां जो वो जो चीजें ट्राई करनी है, जब तेरे जैसे कहते हैं स्मक्स एक्सप्लोजन, हम कहते हैं कि माउथ एक्सप्लोजन, द टेस्ट ऑफ एक्सप्लोजन, ये हर चीज मिक्स हो जाती इकट्ठी। यार ये कौन सी दुनिया है यार, कहां आ गए हम लोग यार, लिटरली चीन स्प्रोंगली तुम लेके जाओगे ना साथ, और वो शुगर भी नहीं है, तूने बचा के रखनी है कि ये कोई मेरा गोल्ड पड़ा हुआ है, एक मैंने खानी है दिन में, इस तरह ना आ रहा हो ना वो चीज में आ जाता है, समथिंग डिफरेंट ब्रो। या तो इट वाज, मुझे थोड़ी ब्रेक मिली हुई है, आदिल ने टॉकिंग संभाली हुई है, तो भाई आप एंजॉय करते जाओ, एंजॉय। मैं ये सोचेंगे नेक्स्ट ट्रिप टू स्विट्जरलैंड, इट्स अ मस्ट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। यार तो ये है बेसिकली प्लान, और लेकिन छोड़ो यार इसको क्या करना है, जो नजर आता रहेगा देखते रहेंगे। ओए ये ट्रेन जाती है क्या, मसोला हाँ मसोला एक्सप्रेस कब से फिल्म बन गया। यार यहाँ पे जो लकड़ी यूज हुई है वो भी इनकी अपनी है, और यहाँ जो खाना खाते हैं जानवर वो भी यहीं पे उगता है, तो बाहर से कोई चीज नहीं लाई जाती। अब बदील ने ट्रांसलेट करके बताया कि फ्रेंच में ये बोल रहा है। अमेरिका में डिज्नीलैंड में वो उसके साथ उन्होंने एनिमल किंगडम में बनाया हुआ है सब कुछ, हिमालयाज और वो सब कुछ बनाया, यहाँ पे भी वैसा ही कुछ सीन है। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इट यार, अभी देखते हैं क्या सीन है। यार तो हम जिस रीजन में पहुंचे हैं ये साउथ अफ्रीका बनाया हुआ है ना यहाँ पे, और जो साउथ अफ्रीकन एनिमल्स हैं उनको यहाँ पे रखा हुआ है। यार सिर्फ जानवर अफ्रीका जैसे नहीं है, प्रॉपर माहौल बनाया हुआ है ना अफ्रीका जैसा। जस्ट लुक एट दैट यार, वो दरख्त, और ये यार ये जो उन्होंने कैफे टाइप बनाया हुआ है, वहाँ पे सैलून है, और वहाँ पे तो इवन जहाज भी खड़ा हुआ है कोई, और वो हैंड पंप लगा हुआ है, मतलब फुल ऑन। यार इसके अंदर जाके देखते हैं सीन क्या है। ये स्कूल है कैफे नहीं है। ये क्या एयर म्यूजियम है? टूरिस्ट ऑफिस फॉर रियल? या ब्रो दिस लुक्स लाइक पेंटिंग ओल्ड सीपीयू भी पड़ा हुआ, ताशा लगाई भी उन्होंने। नहीं ये रियल है या ऐसे बनाया हुआ है? बनाया हुआ है एयर किनिया बनाया। यार मतलब ये वो सिर्फ जू नहीं है, ये पूरी दुनिया का थीम पार्क है। ये हुई ना बात, अब मजा आ रहा है। चलो व्हाट नेक्स्ट। वापस लेता हूँ, यहाँ पे आते साथ इतनी गंदी बू आई है ना, बकरे वाली वो बकरा ईद वाली बू यार, हर जगह। ओ बेसिकली ये क्या, ये एलिफेंट का स्विमिंग पूल है? ये एलिफेंट आते हैं यार, ताकि यहाँ पे हाथी नहाने आते हैं, मछलियाँ तो टाइम पास के लिए डाली हुई हैं। ये देख यहाँ पे एलिफेंट नहाने आते हैं इस तरह। ओए कितने अरसे बाद देखा यार ये हाथी, लास्ट टाइम मलेशिया में देखा था, पाकिस्तान वाला तो मर गया हुआ है ना। हाँ वो लाहौर में, दांत इसके भी निकाले हुए हैं यार, लेकिन ये मेरे ख्याल माँ आ रही है इसकी, वो ये तो बहुत ही बूढ़ी है ना। हाँ ये माँ है इसकी, है बेचारी इसकी, देख यार कैसे इसकी ना जुड़ियाँ पड़ी हुई हैं, जुड़ियाँ पड़ी हुई प्रॉपर, तो मांस भी लटका हुआ है। ओए होए मोनी जबरीक सी, नहीं नहीं सही होता फिर आनी है सब ये देख, ये वो पफर फिश है, ये फूल जाती है, ये फूल जाती है डर के। हाँ इसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है। ये देख वो देख ज़ेब्रे के बच्चे, फुल येलो, वो टाइगर फिश चेक कर।
यार ये उल्लू और वो खरगोश टाइप कुछ है। ये ग्रो बहुत बड़ा हो जाता है, वो देखो तो अभी हो ही जाएगा, ये हाइबरनेशन में चल जाता है। एक वो सोया हुआ है यार, तो बहुत बड़ा है यार। पहली बार किसी एनाकोंडा को इतना करीब से देख रहा हूँ यार। वो अपनी तरफ से मुझे लपेट रहा है यार। वो बैठा हुआ है मगर मैं छोटा सा। यार भी सीन नहीं हुआ कि शेख की थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है। ठाकी क्या हुआ तुझे? यार वो चढ़ चढ़ के ना वो एस्मा सा हो रहा है मुझे। हम होटल निकलेंगे वापस, बाकी जो कॉन्टिनेंट्स वगैरह है वो तो आज हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, फिर कभी मतलब इस ट्रिप में शायद दोबारा एक्सप्लोर कर लें, लेकिन मेन चीज़ जो है ना वो कल हम करने वाले हैं। अभी फिलहाल होटल निकलते हैं, उसके बाद देखते हैं कल का क्या प्लान है। यार हमारी उबर आ गई है और ये दील जो है ये बिया और आरिश के लिए लेके आया है, सुविनेर ज़ू का, और ये हमारी उबर। प्यार होता है दीवाना। स्टेशन पे आओ तो आपके माइंड में वो गाना आता तो है ना, वो ही दिलवाले दुल्हनिया का गाना। ऑब्वियसली यार सबका बचपन गुजरा है उस गाने के साथ, तो वही है बस। वो ट्रेन्स देखी तो वो वाला गाना आ गया और आदिल वो गाना गाने लग गया यार। तो अभी हम खाना खाने के लिए रुकने वाले थे इंडियन थाली रेस्टोरेंट पे, पर हमने ट्रैम का वो स्टॉप मिस कर दिया और वापस आए हम जब ट्रैम लेके, तो वो ऐसे वी जंक्शन था तो हम दूसरी साइड पे निकल आए और वहाँ पे अब है नहीं, हम लोग पता नहीं किस साइड पे हैं। तो ये मैसा मैड्रिड करके है कोई रेस्टोरेंट, यहाँ पे आए हैं हम लोग खाने के लिए। और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं काफ की चॉप, फुल काफ चॉप कुछ ऐसा ये सिस्टम। स्टेक के साथ ये राइस है और पोटैटोज आए थे, वो तो हम पहले ही खा चुके हैं, अभी बस इसको देखते हैं टेस्ट करते कैसी है। Nice. मिली है स्पेशल एक्सेस इनके किचन में, जहाँ पे ये सारा मैजिक बन रहा है, कैसे वो बनाते हैं और कैसे सर्व करते हैं वो सारा मैजिक जो है वो इधर चलता है। ओए गाइस, तो फाइनली होटल रूम में आ चुके हैं यार। क्या कमाल की थकावट होगी आज, इतना लंबा दिन रहा और सारा दिन यार बस फुल ऑफ एंटरटेनमेंट और फुल ऑफ एक्सप्लोरेशन रहा। अभी कल भी बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि कल के लिए भी कुछ प्लान करके रखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, आज के लोग को यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं आपसे एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और बाकी सारे इर्द गिर्द के एरियाज सिटीज़ को एक्सप्लोर करते हुए। तो फिर मिलते हैं।